नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद चैनल पर। बड़ी खुशखबरी के साथ बताना चाहेंगे, जैसा ही डिपार्टमेंट ने अपना कैलेंडर एग्ज़ाम कैलेंडर बनाया था, उसी तरह से सारी चीज़ें हो रही है। नोटिफिकेशन भी आज पोस्टमैन और मेल गार्ड का टाइम पे बिल्कुल 27 तारीख को बोला था, 27 को ही आया है और रिजल्ट भी टाइम से आ रहे हैं एक एक करके, और एग्ज़ाम्स भी टाइम पर लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्टली इस बार एग्ज़ाम और बाकी चीज़ें हो रही है, और ये एक तरह का इसी तरह से हो रहा है जिस तरह से बड़े बड़े एग्ज़ाम्स SSC और UPSC के लिए जाते थे। टाइम पैटर्न में इनको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, आज आप GDS और MTS के लिए नई अपॉर्चुनिटी आई है पोस्टमैन और मेल गार्ड की, एक एक करके समझाएंगे कैसा क्या है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम 10 जनवरी को होने वाला है, तो अभी आपके पास समय है अच्छे से तैयारी करने की। कोर्सेस हम चला रहे हैं, और आपको पता है पूरे आज यहाँ कहीं पे भी आप पता कर लीजिए, हमारा जो कोर्स है वो अभी तक का बेस्ट कोर्स है। 50 MTS हम सिलेक्ट करवा चुके हैं, अभी सिर्फ 6 सर्कल के अभी तक आए, ठीक है। 50 के ऊपर हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दे दें कि ये 10 जनवरी 2021 को होने वाला है, रविवार के दिन होगा, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आज आपको मिल जाएगा या फिर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा, कल भी मिल सकता है, और संडे की छुट्टी रहेगी तो सोमवार के बाद अगले हफ्ते में सभी सर्कल के आ जाएंगे, जितने 27 सर्कल में आ जाएंगे, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, 18 दिसंबर। इससे पहले ही आप सब लोग काम कर लीजिएगा, प्रेफरेंस वगैरह अच्छे से भर लीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, या फिर आपके अगर सर्कल में डिवीजन में पहुँच गया तो सिंपली भर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं कि एडमिट कार्ड जो होगा 4 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, यानी एक हफ्ते पहले, और 10 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। पेपर 1 होगा 10 से 11:30 बजे तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और पेपर 2 होगा 11:45 से 12:45 तक, ठीक है। 15 मिनट का बीच में गैप होगा। सिलेबस वगैरह के बारे में बताएंगे बाद में, आज सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हरियाणा की वैकेंसीज है, उत्तर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का भी निकल गया है अभी साथ साथ में, और बाकी सर्कल का एक एक करके निकलेगा। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। MTS को 3 साल की रेगुलर सर्विस चाहिए, 1 जनवरी 2020 में 3 साल हो जाने चाहिए, और ग्रामीण डाक सेवकों को यानी GDS को 5 साल चाहिए, 1 जनवरी 2020 में 5 साल इनके हो जाने चाहिए, ठीक है। पढ़ाई का अगर बात करें तो केवल आपको 10वीं पास होना है, 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, और एज की अगर बात करें तो खुल के भरिए 50 साल तक एज है, SC ST का और 5 साल, और OBC को और 3 साल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ठीक है। और नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, पर यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं ये यहाँ पे लिखा नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 10वीं में आपके क्लास 10th में जो है आपका लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे हरियाणा में यहाँ पे लिखा है कि हिंदी होना चाहिए, वैसे ही अगर आप दूसरे जगह में हैं तो आपका जो लोकल लैंग्वेज का फॉर्मेट है आपको मिल गया होगा, आपका लोकल लैंग्वेज यानी मदर टंग उस जगह का होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ पोस्टमैन के लिए, ये मेल गार्ड के लिए नहीं है, पोस्टमैन के लिए ये है कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी होना चाहिए। ये जो लाइसेंस होगा आप 2 साल के अंदर भी सिलेक्शन के बाद दे सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि आप जब तक इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक आपको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा, यानी आपको जल्दी से जल्दी लाइसेंस बना देना अगर है नहीं, ठीक है। तो यही था कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट भी यहाँ पे लिखा गया है, पार्ट 3 में स्किल टेस्ट भी होने वाला है, और ये जो होगा ये क्वालिफाइंग होगा, और जो लैंग्वेज पेपर होता है सेकंड पेपर, वो भी क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे हम आपको पढ़ के दे देते हैं, स्किल टेस्ट जो होगा वो 15 मिनट के लिए होगा यहाँ पे लिखा है, और ये ऑनलाइन सिस्टम से होगा बताया गया है, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिलेबस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, और कोचिंग में जिसको भी ज्वाइन होना है जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है हमारे कोचिंग का। और अभी पोस्टमैन का कोर्स 1 तारीख से नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं नोटिफिकेशन के बाद, ठीक है। धन्यवाद।